ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੁਣੋਗੇ ਗਾਇਸ ਸਾਈਬਰ ਟਰੱਕ ਅਜੇ ਮੋਟਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਉਹ ਵੀ ਚਲੋ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਚੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਕਪਾਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਅੱਖਾਂ ਖਾਂ ਵਿੱਚ ਢੇਰ ਤੋਂ ਛਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦੀ ਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਥੀਏਟਰ ਬਣਾ ਦੀ ਆ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਫਰੈਂਡਸ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਆਵਰ ਚੈਨਲ ਔਰ ਮੋਟਸ ਅਭੀ ਅਭੀ ਉੱਠੀ ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਨਹਾ ਵੀ ਚੁੱਕਾ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਗਾਇਸ ਕੈਸੇ ਹੋ ਆਪ ਸਭ और गाइस आज एक बहुत ही बड़ा दिन है मोड्स के लिए वो बाद में बताएंगे अभी नहीं बता रहे आज है मोड्स का टेस्ट मतलब टेस्ट नहीं है आज है मोट्स का एग्जाम वो भी ऑनलाइन एग्जाम घर पे ही देना है 3.5 घंटे का एग्जाम है देखो आज मोट्स पास होती है वैसे तो हो जाएगी आई एम श्योर मोट्स की तैयारी सॉलिड है फिंगर क्रॉस गाइस ये हो गया गोल्स का इंस्टेंट डोसा तैयार और यार मैंने पैक किया है टोफू की स्टफिंग के साथ कितनी बहस करती है बिना बात के दो दो बोतल लेके जाएगा तो गाइस वीकेंड पे कार लेके जाने का ना एक फायदा है कि है ना आपको ना जो सड़क है बिल्कुल मक्खन की तरह मिलती है मतलब ट्रैफिक होता ही नहीं होता ना तो गाइस अब बेसिक से काम सारा हो गया है मैंने सब सामान समेट दिए किचन साफ डिशवॉशर ऑन चलो अब ना मैंने फटाफट एक बेसिक सा रिवीजन करना है सो गाइस हो गया साडा लंच टाइम मैंने खाना गर्म कर लिया धूप अच्छी निकली हुई है तो अभी कहीं बैठ के आराम से खाएंगे ये सिटिंग एरिया हमारे ऑफिस के बाहर सब बैठे ही हैं इस टेबल पे बैठ जाते हैं सो गाइस इतनी है ना धूप में है ना खाना तो खा लिया मस्त और बर्तन भी सारे खाली हो गए अब रैप अप करके वो सामने जाके देख के आते हैं कि सामने क्या चल क्या रहा है मेरी इस लोकेशन का फ़ायदा ये है कि सामने बीच है और अगर कभी लंच करना हो या आपको वैसे ही ब्रेक में बैठना हो तो आप इधर आके बैठ जाओ और ये रहा वो प्रोग्राम सो गाइस इन्होंने ना पीछे म्यूजिक भी चलेगा पर जो सबसे अच्छी चीज़ है ना वो है ये सिटिंग एरिया मतलब ये ऐसे थोड़ी सी गांव की फीलिंग या काउबॉय वाली फीलिंग आती है ना अगर उधर चले जाएंगे आखिर में तो बीच आ जाएगा तो वो सारा बीच एरिया हो गया गाइस मैंने ना ये सारा बोर्ड साफ किया है रगड़ रगड़ के क्योंकि मैं सोचूं कि लॉबी में एग्जाम दूं तो फिर क्योंकि जब भी कोई भी कैसा भी ऑनलाइन एग्जाम होता है ना तो वो आपको 360 डिग्री रोटेट करवा के देखते हैं कि कुछ ऐसा है तो नहीं जहाँ पे कुछ लिखा हो या कोई पेपर्स पड़े हो तो इस पे हमारे कुछ कुछ ऐसे ही रैंडम चीजें लिखी थी हमारे कुछ रिमाइंडर्स थे तो ये मैं सारा वो कर रही हूँ तो गाइस शाम हो गया फटाफट मुझे अब सेटअप करना है बस एग्जाम का तो मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे दे देती हूँ क्योंकि एक यही टेबल है और कहीं दूंगी तो टाइप करना कन्वीनियंट नहीं होगा तो उस बाकी का सारा सामान एडिशनल हटाना पड़ेगा सो गाइस मैं हो गया फ्री धूप अच्छी खासी है पर अभी गाड़ी ना इतनी गर्म होने लगी आज अभी बैठा तो बहुत ज्यादा गर्म थी बिल्कुल सेम इंडिया जैसा हाल लगने लगा मतलब सब कुछ खोलना पड़ेगा एक बार तो सो गाइस एक तो मोड्स का एग्जाम भी है नर्वस वो मुझे लगी नहीं आज जब मेरी बात हुई वो चिल मार रही थी वो मैं कहा तैयारी कैसी चल रही है कहती हाँ बस लंच कर लिया नाश्ता कर लिया चाय 3 बार पी ली मैं कहा भाई पढ़ भी ले रिवीजन वगैरह कुछ करनी होगी चलो अच्छी बात है चिल आउट है मैं ना एक्चुअली पहली बार घर में एग्जाम देने वाली हूँ तो अभी मेरे को बिल्कुल नहीं पता कि कैसे होगा क्या होगा मेरा भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है उसके बाद आपको बताऊंगी और उससे ज्यादा टेंशन मुझे है मुझे क्या टेंशन है अब क्योंकि वो जो है वो इस रूम में रह नहीं सकते लॉबी में बैठ नहीं सकते तो अंदर रूम में बैठेगा अब मतलब वो इतने टाइम के लिए बाहर नहीं आ सकते तो अपना सब खाना पीना लेके अंदर बैठ जाएगा आराम से अब वो जब मेरा एग्जाम खत्म होगा उसके बाद ही निकलेगा लेट्स सी होप फॉर द बेस्ट पेपर हो जाए उसका पास बस यही चाहिए हमका मैं सोचूं फटाफट जब तक वो आता है उसके लिए मैगी रख देती हूँ चाय भी रख देती हूँ उसकी उसका इंतजार करूंगी तो लेट हो जाएंगे गाइस साइबर ट्रक अपन ले आए समोसे और मोड्स ने फिर रख दी मैगी तो
हाँ फिर मैंने बोला कि मैं क्या प्रोग्राम चेंज हो गया, मैं क्या चलो अब समोसे खा लेते हैं। मैंने सोचा कि 6:30 होने वाले हैं, बनेगी कैसे जब तू आया। ट्रैफिक था यार, एक्सीडेंट हो रखा था रास्ते में, इसलिए मैंने तो सारा सामान रख दिया तेरा अंदर। खा लेंगे सब मिक्स करके। ये हो गया सारा सेटअप पेपर का। तूने एक्स्ट्रा क्यों रखा है यहाँ? अच्छा, ये गोल्ड की पार्टी का सारा सामान, इसके चिप्स खाखड़े इसमें खोल लेगा, ये समोसे आ गए। ये ना ये हर हफ्ते ऐसे पेपर देती रहे तो मेरी एक पार्टी हो जाएगी। गाइस अब इससे ना चाय भी नहीं पी जा रही, बनाई इसी ने है वाहियात गंदी बनिया। बट चलो गाइस इसे सारे ऑल द बेस्ट बोल दो, वैसे तो जब तक ये व्लॉग डलेगा तब तक ये हो जाएगा, बट ठीक है आपकी दुआएं फिर भी मिल जाएं थोड़ी सी। थैंक यू, चलो ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट, हम जा रहे हैं अपनी पार्टी करने। ये भी सही है ना, मजा आता है ना यार, गर्मी लगेगी क्या मुझे पता नहीं। तो चला देता हूँ, एक नंबर पे चली जाएगा बस। पर मुझे लग रहा था बता रहा हूँ, गूगल पता चला एकदम बोल पड़ी। हाँ। क्या कह रहे हो आप? चलो गाइस ऑल द बेस्ट टू मी फॉर पार्टी, ऑल द बेस्ट टू हर फॉर द एग्जाम। बाय बाय। चिटिंग नहीं करनी, नो चिटिंग। सो गाइस अभी मोट्स ने बुलाया था मुझे, क्योंकि ना उसकी स्क्रीन नहीं शेयर हो रही थी, तो उसने अभी बुलाया था। मैं अभी स्क्रीन शेयर करके आया, अभी 7 बजे नहीं, अभी 2-4 मिनट पड़े हैं, तो होपफुली अभी शुरू हो जाएगा। सो गाइस अपडेट ये है कि अभी टाइम हो गया 8:30-9 हो गए, मोट्स का एग्ज़ाम चल रहा है और समोसे भी खा चुका हूँ, मैके भी पी चुका हूँ, चाय भी पी चुका हूँ, पेट तो भर चुका है, मन नहीं कर रहा बैठने का। अब ऐसा हो रहा है कि बाहर चला जाओ। गाइस मैं तो सो गया था, मेरी आंखें देखो लाल पड़ी है, पर टाइम से पहले ही हो गया उसका पेपर, और अभी आवाज़ भी आ रही थी थैंक यू वगैरह की। कैसा हुआ? खत्म कर दिया कोर्स मैंने आधे टाइम में, 50% टाइम इट इज डन। 10 मिनट तो मुझे वेट लग इसलिए लग गई क्योंकि मैं उसका वेट कर रही थी कि वो आएगी बताएगी कि अच्छा सबमिट कर दूँ कर दूँ। मैंने ना 3:30 घंटे का था ना। हाँ। तो मतलब अभी जब 1.5 घंटा बचा हुआ था पूरा, तो मैं उसे 2-3 बार रिव्यू करके 2-4 क्वेश्चनों को फालतू में बदल के टाइम पास कर दिया था। फिर मैंने कहा अब अगर मैं और ज्यादा देखूंगी तो मैं उल्टी पुल्टी लिखती जाऊंगी, क्योंकि जब फालतू का दिमाग लगाने लगते हो ना। तो गाइस ये था इसका एग्जामिनेशन हॉल और ये था इसका टेबल, और मैं बेचारा मैं तो सो गया था। कितनी जल्दी फ्री कर दिया। हाँ मैं तो सो गया था 10:30 बजे। आई थिंक मैं अभी सोया था ना गाइस, पता नहीं अभी। तो उसके बाद से जागा क्या? वो बोली थी जब ही। हाँ कितनी तेज आती थी ना अचानक से। हाँ। एक बार मैं भी जब कर रही थी ना पेपर वो क्या कल से इसको यही हो रखी है, मेरा तो ध्यान था नहीं उसमें, साइड में मैं ऐसे हो गई थी पीछे ऐसे। हाँ, मुझे आई थी आवाज एकदम से बोली मैं ऐसे, मैं क्या हो गया क्या हो गया, विजिबल नहीं है मतलब थी इतनी विजिबल थी, उसको लग रहा होगा कि मैं तो वो कंटीन्यूअस मतलब देख रही थी स्क्रीन, मुझे थोड़ा ना नजर आया तो अपनी वीडियो तो वो बंद कर देती। हाँ हाँ मतलब चलो 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 गेड़ी पे भी लेके चलो, पहले गेड़ी पे चलते हैं। चल चल चलो सब, मैं समोसा ले चलती हूँ गेड़ी पे, वहीं पे खाएंगे कहीं। हाँ बताया था मैंने, क्या मैं भूल गया कि ना स्क्रीन शेयर नहीं हो रही थी तो ये मुझे बुलाने आई थी, मतलब इसने उसने बोला था कि अगर कोई और है घर पे तो उसको बुला। मैं हूँ कि मेरा एक पति बैठा है अंदर। क्या हुआ इतना बड़ा? हाँ ऐसे अपना जुगाड़ करके आ रही है समोसे की थैली उठा के। मजा आएगा वैसे पेपर के बाद, कितना मजा आता है ना, मतलब एकदम ऐसे है ना। कितने दिन हो गए थे हम ज्यादा कुछ, चलो फिर भी थोड़ी रिस्ट्रिक्शन तो हो जाती है ना, ना तो हम शूट कर पा रहे थे मेरी वीडियोस और ना ही हम कहीं जा पा रहे थे, अब फाइनली खत्म हो गया अब रिजल्ट वाले दिन देखेंगे। चलो चलो
तुझे थोड़ा अंदर जाके फील आएगा दुकान में लाइटों वाली में। चलो तू बता कहाँ जाना यार, गेड़ी मारने निकल तो जाओ, सब ठीक है, पर अल्टीमेटली समझ ही नहीं आता कि गेड़ी कहाँ मारो, मतलब क्या करो। ओहो ऐसे ही मारो बस, इतना जो सोचेगी फिर बंदा नहीं कर पाता, बस निकल गए। मैं तो बैठी हूँ, तू चलांदर है, जिथों ले जाऊंगा उथे मैं चली जाऊंगी। जब तक गड्डी च गैस हैगी है तब तक चली जावांगे। के होर पैग लाले सोनिया आज छुट्टन ने गलासी हाय काम में छुट्टी नहीं हैगी। हाय कल छुट्टी चाहिए सी तेनो। हाय आज तो पेपर खत्म होया सी, काम में चाहिए सी। कर पा रहे हो कि एक कौन सी भाषा में बोलने की कोशिश कर रही है? ओनी ओनी हजे में बोलनी है का बोली है, ठीक है वो तो तुसी हुन सुनोगे, तुसी हुन सुनोगे सुनोगे थोनो जी खाता है का जे जी खालो मेरी छुट्टी होंगी तो फिर कितना मजा आंदा। अगर आपने देखो गैस कर लिया तो कमेंट में है ना लिखो कि है ना कौन सी भाषा ये यूज कर रही है। भाषा तो पहचान ही लेंगे, लेंगे नहीं भाषा तो पहचान लेंगे पर मतलब ये कौन सी टोन में बोल रही है। खा मैं तेरे तो छांगे पंजाबी बोल लेनी है हुन, एक्सेंट दी नाल बोल दियो। ए ए होंदे बहुत ही पुरानी बहुत ही प्यारी मूवी आप सबने देखी होगी आई एम श्योर। हमने अपना ये खोल लिया क्या है सनरूफ, ऊपर तारे और सामने मूवी, यही आज की हमारी कैंपिंग साइट है और हम देख रहे हैं हमने मेकअप सेट चलाई हुई है। आज तो मुझे मूवी इसलिए पसंद है क्योंकि पूरी मुंबई में बनी हुई है, मुंबई में शूट हुई है और पूरा मुंबई ही दिखाया गया, तो बड़ा मजा आता है देखने। तो चलो गाइस ये व्लॉग यहीं पर ही खत्म करते हैं इस सुहानी रात में, तो मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। टिल देन बाय, शबा खैर, और ये सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। बाय। सो गाइस व्लॉग तो खत्म हो गया था, तो मूवी देखते देखते ना मूड बन गया कुछ खाने पीने का, तो हम आए हैं मैकडी पर। अब जाके है ना व्लॉग फाइनली खत्म करते हैं, हम अपना ना ले लें सामान। बाय।